नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ प्रीति और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। खबर सासाराम से है, जहां सासाराम के सदर अस्पताल में विश्व जनसंख्या दिवस को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सदर अस्पताल के चिकित्सकों के अलावा अन्य स्वास्थ्य कर्मियों ने भी हिस्सा लिया। बता दें कि आज से जनसंख्या नियंत्रण पखवाड़ा भी शुरू हो रहा है, जिसके तहत लोगों को जनसंख्या नियंत्रण के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। ये आयोजन इसलिए किया गया कि ताकि सब लोगों को ये जानकारी मिल सके, लोगों में जागृति फैल सके कि दो विधियां जरूर अपनाएं, एक अस्थाई और दूसरी स्थाई। अस्थाई में जैसे गोलियां हैं या सुई, स्थाई में ऑपरेशन है। ये लोगों को संदेश देना है अपने काउंसलर के माध्यम से, जीएनएम की छात्रा हैं उनके माध्यम से, अस्पताल के जो नर्सिंग स्टाफ है उसके माध्यम से, कि लोग इस विधि को ज़्यादा से ज़्यादा अपनाएं ताकि प्रजनन दर को कम किया जा सके। नवादा जिले के स्वास्थ्य महकमे में सिविल सर्जन के पद पर विराजमान डॉक्टर निर्मला कुमारी ने अपने कार्यकाल का सफल एक साल पूरा कर लिया है। 2 जुलाई 2021 को औरंगाबाद से ACMO के पद से डॉक्टर निर्मला कुमारी स्थानांतरित होकर पहली बार नवादा जिले में सिविल सर्जन के पद को ग्रहण किया, जिसका कार्यकाल एक साल बीत चुका है। जनसंख्या हम लोग दिवस मनाते हैं। जनसंख्या अभी पूरे संसार का एक्सप्लोजन के बेसिस पे है, उसको स्थिर करने के लिए, उसके दुष्प्रभाव को कम करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। और पब्लिक को जागरूक किया जाता है कि परिवार नियोजन के तरीकों को अपनाएं और जनसंख्या पे हम लोग कंट्रोल करें, ताकि हमारा देश सभी तरीकों में आगे प्रगति करे। मोतिहारी के कुंडवा चैनपुर बाजार के किराना दुकानदार शंभू साह से घर जाने के दौरान बाइक सवार अपराधियों ने गोली मारकर 20,000 रुपए लूट लिए। वही घायल को मोतिहारी के निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया है। दुकान पर से जा रहे थे चैनपुर घर, घर के घर जा रहे थे शर्मा चौक के आगे, तो मोटरसाइकिल वाला जो है पीछा करके छीन छन के कार्यक्रम हम उसको गिरा दिया। उसके बाद में तो हम लोग भी उतर कर उसको पूरा। मोतिहारी से अपराध की एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां पहाड़पुर थाना क्षेत्र में उस वक्त सनसनी फैल गई जब सुबह में ग्रामीणों ने खेत में एक युवक का खून से लथपथ शव देखा। वहां ग्रामीणों की भारी भीड़ जमा हो गई और घटना की सूचना पहाड़पुर पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पहाड़पुर पुलिस शव को कब्जे में लेकर युवक की पहचान करने में जुट गई है। बताया जा रहा है कि युवक को अज्ञात अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी है। बिहार के गया में नक्सलियों की विध्वंसक मनसा सुरक्षा बलों ने विफल कर दी है। सर्च ऑपरेशन में भारी मात्रा में विस्फोटक पदार्थ मिले हैं। करीब 150 IED मिलने की बात सामने आ रही है। हालांकि अधिकारी इसकी पुष्टि करने से परहेज कर रहे हैं। वैसे सुरक्षा बलों के सोर्स से मिली जानकारी के अनुसार गया औरंगाबाद जिले के सीमावर्ती गया के छकरबंधा और मदनपुर थाना क्षेत्र के पहाड़ जंगल वाले इलाके अंजानवा पहाड़ वाले एरिया में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन चलाया गया। बेगूसराय में ट्रेन से गिरकर एक युवक की मौत हो गई। मौत के बाद रेल पुलिस का संवेदनहीन चेहरा भी सामने आया है। दरअसल युवक की मौत बेगूसराय और समस्तीपुर जिले के बॉर्डर फतेहा पुल के निकट हादसा हुआ है, जिसके बाद बेगूसराय पुलिस समस्तीपुर GRP के क्षेत्र में होने की बात कह शव उठाने से इनकार कर दिया। राज्य सरकार चिकित्सा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए प्रयासरत है, तो वहीं अनुमंडलीय अस्पताल मसौढ़ी में एलोपैथिक चिकित्सा के अलावा अब लोगों को आयुर्वेद की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इस संबंध में अस्पताल में मौजूद आयुर्वेद चिकित्सक ने बताया कि हृदय रोग, ब्लड प्रेशर, शुगर से संबंधित मरीजों का इलाज किया जाएगा। ऐसा सुनने में आया है कि मसौढ़ी अनुमंडलीय अस्पताल में भी आयुर्वेद की सुविधा उपलब्ध करा जा रही है, क्या है सच्चाई क्या है? यहाँ पहले देवरिया में चलता था, ये देखो वहाँ से शिफ्ट कर लिया है यहाँ, तो आउटडोर चले गए यहाँ नेक्स्ट। मैंने आज भी तो अभी वेस्ट डिस्टर्ब हुआ है तो फ्राइडे से। क्या क्या सुविधा मिलेगी यहाँ मरीजों को? सुबह जनरल विजिट तो मिलेगा ही, दवा वगैरह मिलेगा, जो भी है BP वगैरह है, ये सब टोटल जाँच जो है रूटीन वर्क सब। किस तरह के मरीजों को यहाँ दवा मिल पाएगी? जैसे ज़्यादा बुखार, दर्द,
सर्दी खांसी डायरिया इस सब तरह के जितने मरीज हैं वो सब लोग ब्लड प्रेशर शुगर क्या ये सब मरीजों को दवा मिलेगी आपकी जाँच होगी। तो कार्य रूप में कब से आएगा यहाँ? फ्राइडे से फ्राइडे का जाता है आठ। क्या नाम हुआ आपका? डॉक्टर सुरेश। क्या ये सुविधा जो है ये प्रत्येक दिन मिलेगा या नहीं? नहीं सप्ताह में दो दिन। सप्ताह में दो दिन ट्यूजडे और फ्राइडे। क्या नाम बताया आपने? डॉक्टर सुरेश। पद इसे तो आयुर्वेदिक मेडिकल से लिखिए काम दिया हम या सीओ लिखिएगा आयुर्वेदिक मेडिकल सब कम सी। इस वक्त के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत लेकिन देखते रहिए बिहार न्यूज़। नमस्कार।